तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब देखो जो गेम प्ले है ना, बहुत बंदे मतलब कल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था ना, उसमें बहुत सारा कमेंट वगैरह आ रहा था भाई मैं जिस टाइप से सर्वाइव करता हूँ इस गेम में भी उस टाइप से सर्वाइव किया हूँ, और इस मैच में हैकर था। बहुत बंदे बोल रहे थे कि भाई ऐसे तुम सर्वाइव करोगे ना तो हैकर वगैरह नीचे से मार देगा। देखो ऐसे कैसे मारेगा बताओ, मैं तो जा रहा हूँ 3000 मीटर, हैकर थोड़ी इतना दूर जाएगा। हाँ हैकर ज़्यादातर देखो पोचिंग की हो, जो जॉर्ज बुल्स की सिटी उधर से, और ऊपर से जो हमारा अपार्टमेंट साइड है ना, स्कूल की साइड है, स्कूल इधर साइड हैकर ज़्यादातर उतर करते हैं। तो मैं तो जाने वाला उधर से, उसके ऊपर से कभी मत जाना, ये बहुत ही बंदे गलती कर देगा यहाँ पे। मैं कल वाले वीडियो में बताना भूल गया था कि देखो ये जो पोचिंग की है ना, इधर से ऊपर से जो हमारा स्कूल वगैरह है ना, उस साइड से ऊपर से मत जाना। अब जाना है तो जो हमारा एस ने के ऊपर से जा सकते, उधर बंदे बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से सर्वाइव करो। देखो थोड़ा सा सर्वाइव अपने हिसाब से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, वीडियो को एब्जॉर्ब करो कैसे मैं खेल रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। मैं तो हर एक मैच में प्लस नहीं निकाल पाता हूँ, सीधी सी बात है। इस मैच में भी देखो हैकर के होने के बावजूद मैं अच्छा खासा प्लस निकालूंगा, और कैसे निकालूंगा वीडियो को पूरा देख लो। देखो मैं ऐसे ही सर्वाइव करता, और ऐसे मेरे को क्या है ना, देखो गाड़ी मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो आप सीधे जैसे उतरते हो नॉर्मली उस टाइप से उतरोगे ना कोई भी गाड़ी वगैरह पे ना, उधर बंदा आता है भाई 80 से 99% मैच में ना उधर ही बंदा आता है। एक दो बंदे के साथ फाइट वगैरह हो जाता है, या आपको गाड़ी पहले नहीं मिलता ना तो गाड़ी से कुचल दिया जाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसे भाई मतलब टॉप 80 टॉप 90 पे मर जाओगे तो भाई 60 मतलब 60 क्या बोलो 50-55 का फटका लगेगा माइनस का। तो उससे अच्छा है इस टाइप से सर्वाइव करो, हैकर नहीं मारेगा, और हैकर मारना है ना तो गाड़ी लेने से पहले ऊपर से मार देगा हैकर। देखो इतना नहीं आता, मतलब आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बंदे का माइनस वगैरह लग रहा है, वो भी बात करेंगे भाई माइनस लग जाए तो कैसे खेलना है। तो मैं इस टाइप से सर्वाइव करता हूँ, मेरे को ये पसंद है, सबको पसंद नहीं आ सकता। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टाइप से खेलो, अपने हिसाब से भी खेलो, अपना भी दिमाग लगाओ, उससे थोड़ा आपका यूनिकनेस रहेगा तो क्या है ना आप लोग अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाओगे। तो मैं जो बोल रहा था यहाँ पे देखो कितना इजीली मेरे को गाड़ी मिला, और आसपास कोई बंदा भी नहीं आया। तो कंपाउंड वगैरह में बंदा हो सकता है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं भाई पूरा अंधाधुंध कहीं पे गाड़ी लेने जाओगे तो पक्का मारा जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलो तो आराम से प्लस निकाल पाओगे। और बहुत बंदे का कमेंट आ रहा था कि मैं अभी कमेंट एडिट करके सबका रिप्लाई देके आया हूँ वीडियो जब एडिट कर रहा हूँ, कि बहुत बंदे का 27 का माइनस लगा गया, किसी का 30 का माइनस लगा, किसी का कुछ बोले 150 के ऊपर माइनस लग गया। भाई इतना माइनस लग क्यों रहा है? देखो मैं हमेशा बोला कि एक गेम में अच्छा खासा माइनस लग जाए ना, मतलब दो चार का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गेम में मान लो कि भाई 20-25 का माइनस लग गया, 30 का माइनस लग गया ना, भाई तुरंत मत खेलो, समझ रहे हो ना, तुरंत मत खेलो, थोड़ा सा होल्ड करो कि आपको थोड़ा सा मतलब इधर उधर घूम कर मतलब फ्रेश हो जाओ। पहले बात कि देखो एक टाइम मतलब एक माइनस लग जाएगा ना, फिर से दूसरा मैच लगाओ तो दिमाग थोड़ा सा मतलब खिटखिटा रहेगा और खेलने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब उस टाइप से जो गेम में फोकस है ना वो नहीं कर पाओगे, और फिर से भी आपको दूसरा मैच में माइनस लग जाएगा। तो यही दिक्कत है। और आज का वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा खासा सर्वाइव निकाला हूँ हैकर लॉबी पे कैसे सर्वाइव करते हैं इस गेम को देखोगे ना तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और इसमें मैं प्लस भी निकाला हूँ, ऐसा नहीं कि माइनस नहीं मतलब माइनस गया है, ऐसा नहीं है। और जो हैकर था ना भाई खतरनाक हैकर था, आप देख के हैरान हो जाओगे। तो और ये भी बता देता हूँ, देखो इस मैच में एक दोस्त के साथ मैंने क्या है ना वो जो मैच मेकिंग बोलते हैं ना उस टाइप से करके खेला हूँ उस दोस्त के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि टीम अप करके सबको मारने गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैच मेकिंग किया था, वो अपना खेल रहा था मैं अपना खेल रहा था। पर वो जो है ना उसको मैं स्प्रे लूँगा, मेरे को नहीं पता रहेगा, तो वो भी मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। तो ज़रूर एक बार एंड तक देख लेना वीडियो को। तो यहाँ पे एक बॉट आ जाता है तो इसको इजी किल कर देते हैं। अब लोगों ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिखा रहा हो तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा गेम रिकॉर्ड करके आपको दिखाने के लिए। देखो पूरा गेम देखोगे ना तो क्या है ना थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस टाइप से सर्वाइव किया जाता है। और हमेशा कोशिश करो, देखो छोटा छोटा कंपाउंड लूटो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, और बंदा आएगा ना मतलब जो छोटा कंपाउंड है उधर भी बंदा भी आता है, ऐसा नहीं है। पर अब गाड़ी लेके जाओगे तो बंदे को मतलब उसका फुटप्रिंट वगैरह आएगा, या उसका जो गाड़ी वगैरह है ना वो आपको नोटिस हो जाएगा, मतलब देख मतलब आपको ये हो जाएगा मतलब दिख पाओगे, और फिर क्या है ना उसको मतलब अवॉइड करके उधर से भाग सकते हो, सीधी सी बात है। और हमेशा फाइट लेना ज़रूरी नहीं है, और फाइट लेना ही है ना मैं बोलता हूँ, देखो तो सोलो में एंड मतलब आर्ली फाइट इग्नोर करो, और लेना ही है ना तो गाड़ी वगैरह पे स्प्रे देके बंदे उतारने की कोशिश करो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे मैं 2-3 गाड़ी में स्प्रे भी लूँगा, और अच्छा खासा किल भी होने वाला है हैकर लॉबी पे। और यहाँ पे मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है, और ये बंदा बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी चला रहा था, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखो सोलो में गाड़ी चला रहे हो ना तो सोलो मत चलाओ, क्योंकि कहीं भी कंपाउंड से मतलब कंपाउंड के जो पास से जा रहे हो ना
भाई सोलो गाड़ी चलाओगे तो बंदा होगा ना, इजी आपको गाड़ी से या किसी भी से ना उतर दिया जाओगे। तो समझ लो कि भाई कहीं भी ऐसे मत करना कि थोड़ा सा स्लो गाड़ी चला के जा रहे हो, ऐसा मत करना। और एक चीज़ देखो, कहीं भी मतलब कोई भी बंदे को किल करते हो ना, बॉट भी किल करते हो ना, तो तुरंत स्मोक करके लूटा करो। मैं उधर ही स्मोक करके लूटा था, वो वाला क्रेट था, पर मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया था। तो जो भी सीन था, स्मोक करके लूटा करो, नहीं तो आसपास कोई बंदा होगा ना तो इजी किल कर देगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है किस कौन बंदा किधर है। आप तो हैक लगा के थोड़ी खेल रहे हो, समझ रहे हो ना, जिसको हैक है उसके बाद मतलब उसका बात अलग है। और यहाँ पे मैं बस होल्ड कर रहा था, तभी मेरे को और एक गाड़ी का साउंड आता है। भाई ये वाला कार स्प्रे अच्छा लगे ना तो ज़रूर एक लाइक कर देना। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोलो में फाइट लेना ही है ना, तो ऐसे ही फाइट लो, मतलब ऑन बी ऑन का फाइट मत लो। अब कारी मतलब गाड़ी से कोई बंदा जा रहा है या कार वगैरह में स्प्रे देके आराम से बंदे उतार सकते हो, समझ रहे हो ना। ऐसे ही सर्वाइव करो। और हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी लूटने जा रहे हो ना तो स्मोक करके लूटो। तो इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले समझ लो, कहीं पे आप फायर कर रहे हो ना, आसपास के कंपाउंड में कोई भी बंदा होगा ना तो आपको इजी स्पॉट कर लेगा। तो लूट रहे हो आप, समझ रहे हो, जब लूट रहे हो ना तो आप स्टॉप ही होगे, मतलब कहीं पे जो ये नहीं करो, मूवमेंट नहीं करोगे तो वो बंदा आपको इजी स्प्रे वगैरह देगा ना, डाउन कर सकता है, समझ रहे हो। स्मोक कर लोगे तो वो बंदा आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे मैं बोला था कि एक बंदे के साथ मतलब एक टीममेट के साथ ना वो क्या रहा था कि मैच मेकिंग, वो बंदा यहाँ पर BRDM लेके जाएगा और उसमें मैं अच्छा खासा डैमेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास 50 का मैग है। और फिर देखो सीन क्या होता है। इस BRDM में ना मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ। और सच बोलो कि इसमें मेरा जो दोस्त था ना वो बैठा था, मेरे को नहीं पता था। और तभी वो बंदा मेरे को कॉल करता है, बोलता है कि तू स्प्रे दिया था ना। मैंने बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि तू है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी ऐसा मस्ती मजाक कर लो या कर लिया करो दोस्तों के साथ, कि उसको मतलब मेरे को पता होता ना तो मैं स्प्रे नहीं लेता और उसको रुकने की बोलता। और उसके साथ अभी यहाँ पे मतलब ये होगा मैच में देख सकते हैं, ये जो BRDM वाला बंदा था ना वही है, उसके साथ थोड़ा सा बात करते और फिर सीधा चलते जोन के अंदर। क्योंकि देखो अभी ये जोन में आप जोन में एंट्री नहीं लोगे ना तो खतरनाक सा मतलब सीन हो जाएगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जोन में ही आपको मतलब फिनिश हो जाओगे। तो इसलिए देखो जब भी जोन के अंदर जा रहे हो तो हीलिंग वगैरह भी फुल कर लिया करो। यह देखो मैं हीलिंग मेरा जो है ना वो डाउन हो गया था, मैं तुरंत हील कर लेता हूँ। और हमेशा कोशिश करो जो थर्ड जोन जब स्टार्ट होता है, फोर्थ जोन स्टार्ट होता है, समझ रहे हो ना, जब थर्ड जोन एंड हो जाता है और फोर्थ जोन जो स्टार्ट होता है ना तब भी जोन के अंदर एंट्री लिया करो। उससे क्या होगा, देखो आप थोड़ा सा मतलब जल्दी जोन के अंदर पहुँच पाओगे और परफेक्ट टाइम होता है वो वाला जो मैं करता हूँ। और यहाँ पे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी जोन के अंदर एंट्री लो ना आपका हीलिंग फुल रखा करो, उसका फ़ायदा यहाँ पे देख सकते हो कैसे होने वाला है। मैं यहाँ पे सबसे पहले रुक के हीलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था सामने थोड़ा सा जाऊँगा ना तो ईजी बंदा बहुत सारा है और मेरे को डाउन कर देगा। हीलिंग नहीं होगा तो, हीलिंग होगा तो थोड़ा सा मतलब चांस बन जाता है कि मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो सबसे पहले देखो हीलिंग कर लेता हूँ और फिर देखो क्या सीन होता है। देख रहे हो यहाँ पे एक बंदा कैम करके बैठा था और मेरे को आधा HP कर दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ देखो कहीं भी जोन के अंदर एंट्री ले रहे हो ना हीलिंग फुल रखो। इधर मेरा हाफ HP पहले जितना था ना जोन के अंदर एंट्री लेने के बाद उतना रहता तो मैं इजी गाड़ी से उतर जाता। तो इसलिए जो भी टिप्स बोलता हूँ ना थोड़ा सा मेंटेन करके देखो, इजी कॉन्कर कर सकते हो। यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा था और मेरे पास जो हेलमेट था ना वो डैमेज हो गया था, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा हेलमेट बेस्ट उठा लेते और यहाँ पे हेलमेट बेस्ट उठाने जाऊँगा और सामने से और भी स्प्रे आएगा। तो सीन देखो क्या सीन होता है, मेरा गाड़ी का जो टायर है ना वो पूरा फूट जाएगा। फिर मैं यहाँ पे जैसे जैसे इधर आ जाता हूँ कि मेरा जो बग्गी था ना उसका टायर भी फूट गया था। और यहाँ पे जो सामने जो दो कंपाउंड है ना छोटा छोटा ब्लू कलर का, उधर एक बंदा आने वाला है और जो बंदा हैकर था। और उसके साथ कैसे क्या होता है देखो, उससे पहले मेरे को एक बंदा स्पॉट होगा क्योंकि आसपास में बहुत ज़्यादा दिख रहा था और इधर स्मोक भी होने वाला है। सामने जहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना उधर एक बंदा था और फायर वगैरह आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा स्पॉट करने देख रहा था और तभी वो जो हैकर था ना वो इधर आ जाता है। और मैं सोचता हूँ कि इधर से आएगा तो इजी स्प्रे देंगे, पर वो बंदा तो पता था उसको, शायद मेरे को मेरा जो लोकेशन है वो पता था। और यहाँ पे तभी स्मोक होता है सामने और यहाँ पे मैं फायर लूँगा। तो ये वाला किल कैसा लगा ज़रूर बताना, 350 मीटर दूर मारा हूँ, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ
और जब भी बाहर जाता हूँ ना भाई, क्या ही बोलूँ, मैं एक सेकंड भी नहीं लगा, मेरे को डैमेज दिया और किल कर दिया। और ये बंदा हैकर था, मेरे को पता चल गया था। और इसका देखो किल फीड वगैरह आ रहा था, मैं इतना ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैंने 10 का प्लस निकाला हूँ। और यहाँ पे केडी वगैरह देख सकते हो, 15 का केडी मेंटेन कर रहा है। और कैसे बंदे को पिले जा रहा है, मतलब विदाउट जो स्कोप है ना, वो मार रहा है भाई 300 मीटर दूर, समझ रहे हो ना, इतना भाई क्या बोलो। ये ऐसा हैकर भाई हर एक सीजन आएगा, और बहुत बंदे जो हैकर की वजह से रैंक पुश छोड़े हैं ना भाई, मत छोड़ो, हैकर हर सीजन आएगा, नेक्स्ट सीजन भी आएगा, तो मत छोड़ो, ऐसे ही कोशिश करो और आपको एक्सपीरियंस आपका जो है ना वो बढ़ाओ। जितना भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आप नेक्स्ट सीजन उतना अच्छी तरह से आप सर्वाइव कर पाओगे। और इसका गेम प्ले मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, कैसे मतलब मारता है बंदों को। विदाउट स्कोप कैसे मार रहा है भाई, हेडशॉट पे ले जा रहा है। और इधर सच बोलूं कि देखो, इसको भी एक लेजिट बंदा किल करने वाला है, और जो चिकन ले जाएगा ना वो मेरा दोस्त ही था। और भाई क्या ही बोलूं, मैं चिकन नहीं ले पाया इधर, क्योंकि हैकर से पिट गया था, और वो मेरा जो दोस्त था ना वो चिकन लेके जाएगा, तो देख लेना मज़ा आएगा गेम में। ये जो मोहित नाम का बंदा था ना, इसने हैकर को मार दिया, कैसे मारा भाई क्या ही बोलूँ भाई, खतरनाक मारा जो भी था। और ये जो चिकन जो ना वो मेरा दोस्त ही लेके जाता था, मतलब जाता है क्योंकि उसके पास BIDM था और अच्छा खासा सर्वाइव वो निकाल लेता है। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट वगैरह है ना तो कमेंट नीचे कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आपका कोई भी डाउट है ना पूछ सकते हो मेरे से। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नया आया ना तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।